मीरा रोड के पूनम गार्डन परिसर में श्री गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन आज जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा किया गया। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने हमसे बात करते हुए कहा कि आज भूमि पूजन किया है, जल्द ही भव्य भवन का उद्घाटन भी करने आऊंगा। यदि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इसका भूमि पूजन किया है तो इसका गृह प्रवेश भी जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा ही। महाराष्ट्र राज्य के मीरा भाईंदर नगरी में उत्तर भारतीय भवन निर्माण अपने आप में गर्व की बात है। कल से श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो 18 सितंबर से 24 सितंबर तक सालासार सेंट्रल पार्क एसके स्टोन के पास होगा। कथा 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी। शहर की जनता इस भव्य आयोजन में आकर श्री राम कथा का आनंद जरूर ले। आपको बता दें, बीते कई दिनों से उत्तर भारतीय भवन को लेकर राजनीति माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ जहां विधायक प्रताप सरनाईक ने हिंदी भाषी भवन को उत्तर भारतीय भवन बताकर जल्द ही भवन निर्माण कर इस्तेमाल हेतु उपलब्ध कराने की बात कही, दूसरी तरफ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पहले ही उत्तर भारतीय भवन निर्माण से निमित्त बनने की इच्छा जाहिर की है। वहीं अपने 9 वचनों में से एक वचन को पूरा करने के लिए विधायक गीता जैन इन सबसे आगे निकल अपने निजी जमीन पर अपनी संपत्ति से उत्तर भारतीय भवन निर्माण करने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही हैं। विधायक गीता जैन ने हमसे बात करते हुए चुटकी लेकर कहा कि अच्छे कामों में विघ्न डालने वाले अपने काम करते रहेंगे, हम अपना काम। उत्तर भारतीय समाज का भव्य भवन बनने जा रहा है, अब किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे इतने छोटे से कार्यक्रम के लिए उन्होंने इतना बड़ा मन रखा और यहाँ पधारे और आशीर्वाद दिया, और इसीलिए मुझे और विश्वास हो गया कि जो विघ्न आने वाले हैं वो भी दूर हो। बिल्कुल उनकी सलाह बिल्कुल सही है और मैं मानती हूँ ऐसा ही होना चाहिए, और ये जमीन बिल्कुल विवाद मुक्त है, बिल्कुल विवादित नहीं है, टाइटल क्लियर है, एनवायरमेंट की परमिशन के लिए डाला गया। मैंने कल विरोधियों को मेरे सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जमीन सुनील जैन की है, तहसीलदार का रिपोर्ट बता रहा है, 712 पे सुनील जैन है, और मुझे लगता है कि ये जो सो कॉल्ड विवाद क्रिएट किया गया है, विरोधी बहुत ज्यादा डर गए हैं, इसीलिए ये विरोध क्रिएट हो रहा है। परमिशन आते ही, क्योंकि आपको मालूम है कि ये लेआउट है और एनवायरनमेंट की परमिशन बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट की परमिशन के लिए डाला गया है, एलओआई है, और एनवायरनमेंट की परमिशन आने के बाद सीसी के लिए जो प्रोसीजर हो, और सीसी ये मैंने कोई सरकारी भूमि पूजन नहीं है, ये हमारा पर्सनल है और एलओआई पे हम भूमि पूजन कर सकते हैं। सेंट्रल पार्क एसके स्टोन में शुरू होने जा रही है, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का समय होगा, और मैं आप सभी के चैनल के जरिए ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इतने महान संत कथा करने आए हैं इस न्यूज को पहुंचाए, ताकि जिसको ये खबर नहीं मिली है वो भी पधार के हमारे संत के दर्शन कर सके। सदी के ऐसे महान संत बार बार मीरा भाईंदर की भूमि पे शायद आए नहीं आए। आज मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जब इसका लोकार्पण होगा तब भी मैं आऊंगा। इतनी महानता ऐसे महान संत ही हो सके।